हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ फॉर कीपर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 2018 में 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे, 2024 में 3 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। इन सभी पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ कि क्या कॉम्पिटिशन इस बार कम रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, एडमिट कार्ड कब जारी होने वाली है, वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ठीक है, और लड़कियों के लिए स्पेशल क्या रहने वाला है। पूरी क्लास आप वॉच करिए, सब कुछ आपके समझ आ जाएगा। उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप एक कमेंट के माध्यम से मुझे साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं आज की क्लास। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन का निशान दिया है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हम यहाँ 2018 की बात करें तो 2018 में फ्रेंड्स 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, इससे आप समझ जाएंगे कंपटीशन हाई रहने वाला है या कम रहने वाला, ये आप अपने दिमाग से इसको समझेंगे तो मैं समझ सकता हूँ आपके समझ आ जाएगा। 2018 में दोस्तों 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे, करीब जो होते हैं आपकी 9739 भर्तियाँ थी एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, 9739 जो थे पद रिक्त थे, ठीक है, पद जो निकले थे वो निकले थे दोस्तों 9739, करीब हम 10,500 मान लेंगे, ठीक है। एसआई के पद थे, इसी के अकॉर्डिंग आप कर लिए तो 8619 पद, और कांस्टेबल के दोस्तों 798 पद थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। 2018 में 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे, ये मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, और जो नीचे हैं वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसआई में कितने पद थे, कांस्टेबल में कितने कितने पद थे। इसी हिसाब से अगर हम बात करें 2024 के आंकड़ों को लेकर के कि कितने फॉर्म ये फिल हुए हैं, कितनी वैकेंसी हैं, एसआई के कितने पद हैं, कांस्टेबल के कितने पद हैं, और जो आपका कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, स्टेट वाइज रहने वाला है, और एग्ज़ाम आपका कब तक होने वाला है। तो अगर मैं 2024 को लेकर के आऊँ तो यहाँ पर 4660 जो है यहाँ पर पद हैं, ठीक है, 4660 यहाँ पर पद हैं 2024 की बात कर रहा हूँ, और 23 लाख फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुके हैं, ठीक है। देखिए, वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा फिल हो चुके हैं, उससे साहब के 2018 के आंकड़ों की जो बात करी थी मैंने अभी, तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, 10,500 लगभग वैकेंसियाँ थी और 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे, समझ सकते हैं। अब अगर 2024 तो 4660 तो पद हैं ये टोटल, और भर्ती और जो एसआई के पद हैं वो 4208 पद हैं, कांस्टेबल की बात करें तो 452 पद हैं जो कि कम पद हैं। अगर अभी तो कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया जिसमें कि वैकेंसी बढ़ाने को लेकर किसी भी टॉपिक पर चर्चा की गई हो, बट उम्मीद जताई जा रही है कि आपका एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आपको वैकेंसियाँ इनक्रीज़ हो सकती हैं, वैकेंसी बढ़ सकती हैं। तो इतनी बात आप समझते हुए चलिए, और इस तरीके से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप उसको भी लगाते रहिए। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम जो हो सकता है स्टूडेंट वो आपका अक्टूबर से सितंबर के बीच होगा, ठीक है, सॉरी अक्टूबर या नवंबर में होगा, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अन्य वीडियो में बताया है, उसका लिंक वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब जल्दी हमारी टीम जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाली है, यहाँ पर होगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सभी की कंप्लीटेड क्लास आपको कराई जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे मेन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जीके जीएस रहने वाली है जो कि 50 नंबर की दर्शा, तो आप समझ सकते हैं 2018 और 2024 के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इसी माध्यम से आप कट ऑफ निकाल लीजिए कि 2018 में 59 लाख फॉर्म, 2024 में 3 लाख फॉर्म। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर नवंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, जल्दी आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और वैकेंसी अभी बढ़ सकती हैं, इस पर अभी संशय चल रहा है रेलवे की तरफ से, तो आपकी वैकेंसियां अभी बढ़ सकती हैं, ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए तैयार है। तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट।